हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे वेनिला कपकेक, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। इसे मैं माइक्रोवेव में बनाना बताऊंगी, मिनटों में बनके तैयार एकदम। इसके लिए मैंने ऑल पर्पज फ्लोर यानी कि मैदा लिया है। ये मैंने एकदम फुल भर के, आप देख रहे हैं एकदम ज़्यादा है, 100 ग्राम से ज़्यादा ही है, पूरा फुल कप लिया है मैंने। इसी तरीके से मैंने शुगर लिया है, शुगर पाउडर, ये मैंने इससे थोड़ा कम लिया है, छोटा कप लिया है। और इसमें मैंने 3 एग इसमें यूज़ करेंगे। और बटर है ये आपका 130 ग्राम 100 ग्राम से जो आता है एक पैकेट, उससे ज़्यादा है 130 ग्राम होगा। इसे मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर रखा है। वनीला एसेंस है ये आपका 1 टेबल स्पून है। बेकिंग सोडा है ये 1/4 टीस्पून है। और बेकिंग पाउडर ये 1 टीस्पून है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटर को हमने बाउल में डाल लिया है। इसको हम हैंड ग्राइंडर से इसको बीट करेंगे। अगर आप नहीं हैं तो आप इसको हाथ से भी बीट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम इसमें बच जाता है, थोड़ा आसानी हो जाती है, वरना उसमें आप आराम से उससे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हम इसको बीट करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा शुगर ऐड करते जाएंगे। जो किनारों पे होगा उसे हम साफ करके बीच में ले आएंगे। जो शुगर हमारे किनारों पर है इसको हम बीच में करके और इसे अच्छे से बीट करेंगे। करीब आप इसे 2 मिनट के लिए, जब तक कि शुगर और बटर जो है एकदम अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए, इसे हमें बीट करना है। इसका एकदम फ्लफी आप देखेंगे बनकर आ जाएगा ये। इसमें हम एक एक करके एग डालेंगे और इसको फिर से बीट करेंगे। इसी तरीके से हम थोड़ा एक एग डालेंगे, फिर बीट करेंगे, फिर एक एग डालेंगे, फिर बीट करेंगे। इसी में हम वेनिला एसेंस डालेंगे और इसको थोड़ा सा और बीट करते हैं, बस मिक्स कर देते हैं। इसे हमने अच्छे से बीट कर लिया है, ये मैंने छान के लिया है। तो इसमें हम ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसी में हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे और इसको हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जब हम इसे मिक्स करें तो देखिए इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, आप देख रहे हैं एकदम स्मूथ हो रहा है। तो इसे करीब मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको इस तरीके से चलाया है, बहुत ही हल्के हाथ से। तो यहाँ पे हम ट्रे लेंगे, इसमें मैंने कप लगा दिए हैं। इसे हमें पूरा ऊपर तक नहीं करना है, एक एक हम टेबल स्पून इसके अंदर डालते जाइए। इसी तरीके से हम सारे इसके अंदर कर लेते हैं। इसे मैंने ट्रे में कर लिया है सबको। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से चॉको चिप्स डाल सकते हैं या अपनी पसंद के कोई भी कलरफुल, या ऐसे भी अच्छे लगते हैं। बस थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं, तो थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम इसमें डाल देंगे। मेरे माइक्रोवेव में 110 से ही आता है, वरना इसे आप 100 टेम्परेचर पर बनाएं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसे आप 2 मिनट के लिए बनाएं। इसे मैं 1 मिनट से या 2 मिनट के बीच में ही बनाऊंगी। तो इसमें मैं ट्रे रख देती हूँ। ये मफिन बनकर एकदम रेडी है, अभी ये गर्म है, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैं आपको टाइमिंग थोड़ा सा मैंने गलत आपको बोल दिया था, मैंने आपको 1 से 2 मिनट बोल दिया था, इसको 10 से 12 मिनट आपको बनाना है 100 डिग्री से उस पर।
हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये कप केक बनकर एकदम रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। तो आप इसको एंजॉय करिए और आपके बच्चे भी इसको बहुत पसंद करेंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।